हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स, और इस बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने होंगे। वन बाय वन क्वेश्चन हम आपके सामने करा रहे हैं और बहुत ही जल्दी से शीघ्र से हम इस बुक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे बड़े जबरदस्त तरीके से। आज का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इसमें अधिकतर बोर्ड मास का यूज होता है, आप सभी जानते हैं। बोर्ड मास में दो कंडीशन होती है, एक तो ब्रैकेट वाली होती है, जैसे आप समझ लीजिए सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट, ये होता है रेखा कोष्टक। अगर किसी भी संख्या पर ये रेखा का चिन्ह आ जाता है तो इसका मतलब होता है ये रेखा कोष्टक होता है, और इसको सबसे पहले खोला जाता है। इसके बाद होता है छोटा कोष्टक, इसके बाद होता है मंझला, और इसके बाद सबसे बड़ा बिग ब्रैकेट। इसको ऐसे हम हल करते हुए आते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्टक खोले जाएगा, फिर छोटा ब्रैकेट, इसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ऐसे हम इसको बाहर की ओर आते हैं इसको खोलते हुए। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको सीखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन इन ब्रैकेटों में चलता है तो सबसे पहले ऐसे अंदर से बाहर की ओर ब्रैकेटों को खोलते हैं। सेकंड पॉइंट है आपके सामने बोर्ड मास। बोर्ड मास का सेकंड पॉइंट समझिए, बी फोर होता है ब्रैकेट। सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट आ रहा है उसको हल करेंगे, और ओ फोर होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में भी आ जाता है लिखा हुआ, और इसके लिए हम गुणा का चिन्ह यूज करेंगे। डी फोर होता है डिवाइड, इसके लिए मल्टीपल, और फिर एम फोर मल्टीप्लाई। देखो डी फोर डिवाइड होता है, इसके बाद एम फोर मल्टीप्लाई, ए फोर एडिशन जोड़ना, और एस फोर सब्ट्रैक्शन घटाना। मीन्स इन पॉइंटों को क्रम के अनुसार हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो इससे हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। और इसके अलावा जो इसमें कोई एक्स्ट्रा ट्रिक्स होगी, देखिए इसमें क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें छोटी छोटी बेस्ट खतरनाक तकनीकी और ट्रिक्स आपको बताई जाएगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा, आसान होगा। जैसे कि मैंने कहा है कि मैं कोई खास दो तीन या एक दो इम्पोर्टेंट मोस्ट ट्रिक बताता हूँ चैप्टर में, ज़्यादा ट्रिक नहीं बताऊँगा, क्योंकि हमारा टैलेंट ही हमारी तकनीकी है, उसी से हमारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। देखिए माइंड से ही ये क्वेश्चन होगा, इसमें हमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको डायरेक्ट माइंड से ही हल करना चाहिए। वहाँ पर एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना होगा, तभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आसान होंगे, वरना आपका ये टाइम ले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए फ्रेंड, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ ऐसे इसकी प्रैक्टिस करो और आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, इसको हल करेंगे। बोर्ड मास का भी ध्यान रखना है इसमें साथ साथ, तो यहाँ पर इसको गुणा कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 6 चौक 24, 24 हमारा माइनस का है और 2 ये भी माइनस का है, ब्रैकेट हल कर रहे हैं हम, तो 24 और 2 26 हो जाएगा माइनस का। जैसे ही माइनस का 26 होगा तो आपको दिख रहा है ये प्लस का 16 है, इधर माइनस का 26 है, तो माइनस के 10 बचेंगे आपके, 26 में से 16 घटाएंगे माइनस के 10, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए अब 14 प्लस 10 कितना हो गया, 24। देखिए टैलेंट है ये, तकनीकी है, हम बाहर आते आ रहे हैं। 14 और 10 24, माइनस का 24 हो जाएगा इधर, ये वाला माइनस का 24। अब 20 प्लस का है, ये माइनस का 24 है, तो माइनस के 4 रहेंगे, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 40 और माइनस माइनस प्लस 4 कितना हो जाएगा, ऐसे 40 माइनस माइनस प्लस के 4 और हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 44, माइनस 4 बनता है ये। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, इनको हल करने पे माइनस का 4 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 40 और 4 44, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 44।
तो हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, बस ऐसे ही हमें अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो फ्रेंड बहुत ही ध्यान से इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ के ऐसे करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले हम इधर से क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आते हैं। ये हमारा छोटे ब्रैकेटों में सवाल है छपा हुआ, इसको लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सात की गुणा इधर माइनस, सात दूनी चौदह, और माइनस माइनस प्लस का दो बटे टोटल सात, ऐसे होगा। अब देखो माइनस का बारह बटे सात रह जाएगा, क्योंकि चौदह में से दो घटाएंगे, माइनस के बारह बचेंगे, और यहाँ पर हम माइनस के चौदह बटे वो बारह बटे सात हो जाएगा। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के चार बटे पाँच और माइनस के बारह बटे सात, ये बनता है हमारा हल। तो माइनस माइनस के गुणा करेंगे प्लस, बारह चौक अड़तालीस और बटे सात पंजे पैंतीस, ऐसे हम इसको ले लेंगे। देखो यहाँ तक हम आ गए, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको बाद में लेंगे, पहले इसको देख लीजिए, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, क्योंकि भाग का उल्टा गुणा होता है तो उसके साथ आई हुई संख्या भी उल्टी हो जाती है। चलिए देखते हैं, माइनस का यहाँ पर लिख लेंगे माइनस चार बटे सात, उल्टा लिखेंगे गुणा बारह बटे एक। अब इसको भी उल्टा कर देंगे, गुणा का चिन्ह आ जाएगा तो ये वाली संख्या भी उल्टी हो जाएगी पैंतीस बटे अड़तालीस, और लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका। बारह चौक अड़तालीस से अड़तालीस, ये यहाँ पर वन है लिखा हुआ, और सात पंजे पैंतीस, तो माइनस का पाँच हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही आसान आपको हर क्वेश्चन कराया जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन देखो, क्वेश्चन नंबर तीन सरलीकरण का जबरदस्त सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसानी से कराएंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है 36 भाग 2 प्लस वाई गुणा 3 माइनस 22 बराबर 8, तो वाई का मान बताएं। तो देखिए इसमें न तो ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट बी नहीं है ना ऑफ है इसमें यहाँ पर, तो डी फॉर डिवाइड, डिवाइड करेंगे, क्रम से चलते हैं बोर्ड मास में। तो सबसे पहले मैंने भाग किया 2 से 36 को 18 बार, प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई की बारी आती है, गुणा कर दीजिए 3y माइनस 22 बराबर 8, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई के बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बारी आती है, तो हम क्या करेंगे, देखो माइनस 22 में से 18 घटाएंगे, माइनस के 4 रह जाएंगे, और माइनस के 4 इधर लाकर प्लस हो जाएंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, तो 3y बराबर लिख सकते हैं हम 12, 3 चौक 12, तो y का मान आ गया 4। तो देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका y बराबर 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 4। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑफ, ऑफ ऑफ का मतलब ये आ गया, ऑफ का मतलब होता है का, ये रहा, यानी कि गुणा। तो सबसे पहले इसे करेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट तो नहीं है, चलिए गुणा करते हैं 7 पंजे 35 और 16 अट्ठे 128, चलिए बटे 128, गुणा का चिन्ह आएगा 6, प्लस का देखो इसे हल कर लीजिए, बस यहीं पर ही है, सिंगल रहेगा, 15 में से 10 घटाएंगे 5। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 3 6 और 2 से 64, हल कीजिए 35 थी 105 बटे में 64 पंजे हो गया, 6 बजे 30 320 हो गया, 64 पंजे और बटे में सभी का 64, तो ये हो गया हमारा बहुत ही आसान 320 और 105 425 बटे 64। तो लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 425 बटे 64, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही सिंपल और आसान सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा। 1/8 माइनस मंझला ब्रैकेट 1/5 प्लस छोटा ब्रैकेट 1 माइनस 0.5, यानी कि इस क्वेश्चन को हमें हल करना छोटे
ब्रैकेट से इसको खोलते हुए चलेंगे। चलिए एक में से 0.6 घटाएंगे तो कितना बचता है, 0.4। 0.4 बचता है, यहाँ लिख लेंगे 0.4 प्लस का। अब इसको लिखेंगे, 5 से भाग करेंगे, ये 0.2 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 0.2। अब दोनों को जोड़ेंगे, 0.2, 0.4, 0.6 हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर, ये यहाँ पर घट जाएगा 1/8 में से। 0.6 कितना होता है देख लीजिए, 10 हटा के 10 हम लोग, 10 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 3/5 होता है ये। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 8 × 5 = 40, देखिए 8 × 5 = 40, 5 माइनस 5 × 8 = 40, 8 × 3 = 24, तो कितना हो गया माइनस 24 में से 5 घटाएंगे 19/40। चलिए आगे हमारे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, माइनस 19/40, ऑप्शन बी इज राइट, ऐसे करना है। और भी आसान हो जाएगी, देखिए बहुत इजी, बस माइंड का खेल है ये। देखिए पहले मैंने बोर्ड मार्क्स में बताया है कि ब्रैकेट तो इसमें नहीं दिया है, ये वाला ब्रैकेट नहीं, ना ही ओप है यहाँ पर ओप, तो पहले इसको गुणा करें, गुणा में कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, जब ये 8 हो जाएगा तो 8 से उसके बाद इसमें भाग आएगा तो भाग कर देंगे इसको, 8 × 2 = 16, 2 और 2 = 18, ऊपर का मान 18 आ जाएगा, देख लीजिए फिर समझिए। ओप का मतलब गुणा, 4 × 2 = 8, 8 बन गया ये। अब 8 से इसको हम काट देंगे, भाग दे देंगे 2 × 2 = 18, ये आ गया, देखो 18 आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको हल कर रहा हूँ, छोटा ब्रैकेट कितना आ गया, 3, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, बाद में हल करेंगे, बट देख लिया 3। ओप का मतलब कहा, इसको भाग करेंगे 2 बार, अब देखो इसको हल कर लेंगे ध्यान से, ये 3 की गुणा 3 में करेंगे 9, माइनस का चिन्ह आएगा 2 × 3 और भाग में 2/2, ये हो गया, 2 से 2 काटा। अब देखिए 18/9 में से 3 घटाएंगे 6 × 6 = 18, 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट। देखो बहुत ही आसान और सिंपल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन, बोर्ड मास्टर के नियम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, 2 × 4 मतलब 2 का वर्ग 4 और 2 = 6, 6 हो गया ये हमारा। अब 16 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा 12। अब 12 को 6 से भाग करेंगे, 6 × 12 = 2, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 6 + 2 ये वाला, और बचा हुआ माइनस का 2 = माइनस प्लस कट गया तो 6 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, बहुत ही आसान, ऑप्शन ए ये हो गया, ऑप्शन ए 6। नया क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा है आपको, छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, ये रहा यहाँ पर 28 में से 3 घटाएंगे 25, 25 से भाग करेंगे 25 × 75, 3 आ जाएगा माइनस का, माइनस का आ जाएगा ध्यान रखना। अब हो गया यहाँ पर का मल्टीपल करेंगे, 3 × 15 = 15, 5 × 25 = 25, माइनस का 25, ये माइनस का 3 है यहाँ पर, ये माइनस का 25, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ 3, और ये 1/2 लिखेंगे हम यहाँ इसको ऐसे, देखिए अब देखो ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 कट गया। अब इसको हल करेंगे, 25 × 50 माइनस का 1 − 50/2, तो 50 में से 1 घटाएंगे, −49/2 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो देखो फ्रेंड बहुत ही इजी सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन के मिलेंगे, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही आसान सॉल्यूशन आपके सामने। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, देखो 9 में से −8 घटाएंगे तो +1, 56 में 1 जोड़ेंगे 57, तो प्लस का 57 और 42 जोड़ेंगे, ये मझले ब्रैकेट के अंदर का मैटर आ जाएगा। चलिए देखते हैं,
बयालीस और सत्तावन हो गया निन्यानवे, एक बटे नौ गुणा निन्यानवे और प्लस 108, ये हो गया हमारा बिग ब्रैकेट, माइनस 197। अब इसको हल करेंगे, 9 से इसको काटेंगे 11, 108 और 11 119, तो 197 माइनस 119, 17 में से 9 घटाएंगे 8, 18 में से वो 8 में से 1 घटाएंगे 7 और 1 में से 1 घटाएंगे 0, यानी कि 78 बचता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, ऑप्शन डी। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड आपको पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, देखो ये क्वेश्चन है तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्टक हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इनका एलसीएम, ले लेते हैं इनका हम यहाँ से 36, 18 दुनी 36, 2 25 दुनी 50, ध्यान से देखो, प्लस 6 36, 17 छिक्के 102, माइनस 36 से 36 7, ये हो गया हमारा यहाँ तक मान। अब इसमें हमारा ये पॉइंट भी आ रहा है भाग, 68 बटे 6, ये वाला हम इसको हल करेंगे, देखो बराबर y बटे 72.5 गुणा 204। अब इधर हमारा है गुणा 17 बटे 7। पहले हम इसको हल करते हैं, देखो ये कितना बचेगा, ये हो गया हमारा 100, ये इसमें से घटा दीजिए 105 रह जाएगा, नहीं ये 50 में से 7 घटाइए आप, 43 और 2 145 बचता है, 43 यहाँ से बचेंगे और 102 ये 145। अब हम इसको हल करेंगे, देखो 68 बटे 6, इसका उल्टा कर लेंगे हम 36 बटे 145 ऐसे, और गुणा 7 17 बटे 7, ध्यान से देखो बराबर y बटे 72.5 गुणा 204। अब देखो ये कट जाएगा यहाँ से, 72 दूनी 144, आधा दूनी 5, यार 72 दूनी 144 और कितना आया ये, नहीं नहीं यहाँ पे ये 145 कैसे बच रहा है, ये 145 72.5 है ये, क्वेश्चन में देखते हैं गलती है क्या, क्वेश्चन को चेक करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 72.5, चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनता है, देखते हैं इसको कटिंग करते हैं। पहले इसको हल कर लीजिए, 6 × 36, 6 × 36 और 6 × 6 = 18, 6 से इसको काटते हैं बराबर में, ये कट जाएगा इधर 6 × 3 = 18, 2 × 6 = 24, ये कट गया। अब हमारा यहाँ पर 68 है और बटे में इतना 17/7, ये भी है। अब 17 से हम इसको भी काट देते हैं, 17 × 2 = 34, देखो ध्यान से देखो कटिंग। अब हमारा क्या बचा है यहाँ पर, 68/7, इधर तो 68/7 और बटे में 145 बराबर 2y बटे ये 72, इसको ऐसे लिख सकते हैं 72.5 दशमलव हटाएंगे बटे 10, ये हो गया 14×5 = 70, हाँ सही है ये, बस सही हो गया ये, ये इससे कट गया 72.5, दो बार कट जाएगा ये इससे, और भैया
दो से हम इसको काटते हैं, दो से इसको काटेंगे 34 बार, और दो से ये भी कट जाएगा 17 बार, 17 बटे 7 बराबर वाई। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। चलिए इसको हम देखते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। तो हम इसको दोबारा करते हैं अच्छी तरीके से, जिससे कि आपके समझ में अच्छे आ जाए। देखिए एलसीएम आ गया इनका हमारा 36 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, 18 × 36 दो से 25 में गुणा करेंगे 50 प्लस 6 × 36 36 17 × 6 102 माइनस 36 36 7 बचेगा भाग 68 बटे हमने 6 लिया, ये गुणा 17 बटे 7 बराबर वाई बटे 72.5 गुणा 204। अब देखो इसको आसान करेंगे बहुत ही, ये अगर हम हल करते हैं 145 बटे 36 है, इसको उल्टा लिख देंगे 17 बटे 7 गुणा 68 बटे 6 उल्टा लिख देंगे 36 बटे 145 बराबर वाई बटे 72.5 गुणा 204। देखो 72.5 से ये दो बार कट गया, 6 × 2 = 12 ये 36 तीन बार कट गया, और 3 × 8 = 24 3 × 4 = 20 204 हो गया, ये 204 से 204 कट गया। अब वाई बराबर रह गया 17 बटे 7 बराबर वाई, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है वाई बराबर 17 बटे 7। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड ऐसे हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।